सागर के राम सरोज पैलेस में चल रहे हाई प्रोफाइल गर्मी में अश्लील गानों की प्रस्तुति से भड़के शिव सैनिकों ने सोमवार की शाम राधा तिराहे पर प्रदर्शन किया। होटल की ओर बढ़ रहे शिव सैनिकों को बलपूर्वक पुलिस ने रोका, जिससे उत्तेजित शिव सैनिकों की पुलिस से जमकर झड़प हुई। गरबे में अश्लील गाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों ने अश्लीलता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिव सैनिक रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए पुलिस चौकी कटरा पहुंचे, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा को ज्ञापन सौंप कर अश्लील गाना बजा रहे गरबा संचालक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। शिवसेना जिला प्रभारी विकास सिंह ने कहा कि कुछ गरबा संचालक नवदुर्गा को नवदुर्गा बनाने की योजना के चलते अपने कार्यक्रमों में अश्लील गाने और बिना आधार कार्ड के अन्य वर्ग के मनचलों को प्रवेश देकर लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शिवसेना उपराज्य प्रमुख पप्पू तिवारी ने कहा कि गरबा पुरातन संस्कृति का प्रतीक है, माँ दुर्गा के भजनों में कार्यक्रम होना चाहिए। वह अश्लील गाने बजाकर हिंदू संस्कृति धर्म की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। शिवसेना संगठन ने गरबा में जा रहे बेटा बेटियों के पालकों से भी आग्रह किया है कि वो अपने बच्चों को अश्लील गानों में चल रहे कार्यक्रमों में जाने से रोकें और निगरानी रखें कि बेटा बेटी नवरात्रि वाले कार्यक्रमों की बेटा बेटी नवरात्रि वाले कार्यक्रमों में जा रहे हैं कि कहीं अश्लील कार्यक्रम में सम्मिलित तो नहीं हो रहे। यह प्रदर्शन नव दुर्गा की आड़ में जो पाश्चात्य संस्कृति परोसी जा रही है, कल सागर शहर के एक नामचीन होटल में गरबा के दौरान अश्लील गानों पर गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस पर शिवसेना संगठन को कड़ी आपत्ति है। आज पुलिस अधीक्षक महोदय को शिव सैनिकों ने प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त करते हुए आवेदन दिया है कि जो सागर शहर और मकरोनिया परिक्षेत्र में जिन जिन क्षेत्रों में गरबे का कार्यक्रम नव दुर्गा के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, वहाँ सबसे पहले आधार कार्ड अनिवार्य हो, क्योंकि आधार कार्ड अनिवार्य ना होने से अन्य वर्गों के लोग वहाँ गरबा में प्रवेश करते हैं, जिससे लव जिहाद जैसी घटनाएं का जन्म होता है। इसलिए सागर शहर में लव जिहाद जैसी घटनाओं का पुनर्जन्म ना हो, इसलिए शिवसेना संगठन ने पुलिस अधीक्षक जी को आग्रह किया है कि पुलिस अधीक्षक महोदय, आप सभी थाना प्रभारियों को निर्देश करें कि जितने भी लोग गरबा खेलने के लिए गरबे पर कार्यक्रम करने के लिए गरबा कार्यक्रम में पहुंचे, उनके लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो, नंबर एक। नंबर दूसरा, गरबे का अर्थ होता है धर्म। नव दुर्गा में माता रानी के गानों पर गरबा का नृत्य होना चाहिए, ना कि अश्लील गानों पर। अश्लील गानों का शिवसेना तीखी भत्सना करती है, आलोचना करती है, उन आयोजकों को चेतावनी देती है कि अगर आपने अपने होटल में या आपने गरबा के कार्यक्रम में अश्लीलता परोसी, अश्लील गाने आपने बजाए या बिना आधार कार्ड के आपने प्रवेश किया, तो हम अभी आवेदन कर चुके हैं एसपी साहब को, उसके बाद हम निवेदन करेंगे, और आवेदन और निवेदन पर शिवसेना संगठन की सुनवाई नहीं होती तो हम दनादन के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमको हिंदू संस्कृति बचाना है, भारत की संस्कृति बचाना है। भारत की संस्कृति का सूचक है गरबा, गरबा होना चाहिए। गरबा का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन गरबा की आड़ में हमारी बहन बहन बेटियों से लव जिहाद की घटनाएं अर्जित होगी तो उसको शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और उग्र रूप में आगे आकर विदेशी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति रूपी गानों का विरोध करेगी, तो बिना आधार कार्ड के अन्य वर्ग अन्य समाज के लोग अगर उसमें भाग लेंगे तो उसका भी शिवसेना का कड़ा विरोध रहेगा। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के सागर से विष्णु सोने की रिपोर्ट।